नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज कैबिनेट मीटिंग में क्या क्या निर्णय लिया गया, मैं आज के इस वीडियो में साझा करूंगा। साथियों, आज जो निर्णय लिया जाना था, जिनमें प्रमुख थी युवा बेरोजगारों की मांग, 33,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती, लेकिन आज के इस कैबिनेट मीटिंग में शिक्षक भर्ती पर कोई भी फैसला नहीं हुआ। जो शिक्षक भर्ती की घोषणा करने वाले थे, अर्थात शिक्षक भर्ती तो निकला नहीं, लेकिन शिक्षा मंत्री ही निकल गए, अर्थात शिक्षा मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानें कि कौन कौन से बिंदुओं पर आज कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगी है, एक एक करके मैं इनकी जानकारी दूंगा। साथियों, 3 बजे कैबिनेट मीटिंग आयोजित की गई थी। आज की इस कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में यह कैबिनेट मीटिंग जो है निर्णय लिया गया। इस कैबिनेट मीटिंग में पहला निर्णय है, बस्तर सरगुजा मध्य क्षेत्र के आदिवासी अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए भी आज पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा उल्लेखनीय है कि दूसरा जो निर्णय जो कि आज लिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति जो क्षेत्र है, अर्थात बस्तर सरगुजा मध्य क्षेत्र अनुसूचित जाति वाला जितने भी क्षेत्र है, वहाँ पर विकास कार्यों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो निर्णय है लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट द्वारा उच्च शिक्षा के लिए भी एक निर्णय लिया गया है, जिसमें उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति 2024 का भी अनुमोदन किया गया है। देखिए, उच्च शिक्षा विभाग में अर्थात कॉलेजों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जो प्रोफेसर की नियुक्ति की जाती है, अब उसके लिए भी एक समिति का गठन हो गया है, अर्थात वहाँ पर भी अब अतिथि व्याख्याता की भर्ती की जाएगी। देखिए, जहाँ पर रेगुलर सहायक प्राध्यापकों की भर्ती किया जाना चाहिए, वहाँ पर अतिथि व्याख्याता की नीति बना दी गई है 2024 में। जहाँ पर 60,000 रुपये 70,000 रुपये अतिथि व्याख्याताओं सहायक प्राध्यापकों को देना चाहिए रेगुलर भर्ती में, तो यहाँ पर अब जो है 30,000 की वेतन देने वाला अतिथि व्याख्याता की नीति बना दी गई है। अब इसके तहत जो है अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती कॉलेजों में किया जाएगा और सहायक प्राध्यापकों की भर्ती भी अब नहीं होगी, क्योंकि ये नई नीति का अनुमोदन किया गया है। इसके अलावा आज जो निर्णय लिया गया है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चना वितरण हेतु निर्गम मूल्य पर चना क्रय करने के संबंध में भी आज निर्णय लिया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने स्वेच्छानुदान मद में 14,369 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को 19 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि कार्योत्तर अनुमोदन मंत्री परिषद द्वारा प्रदान किया गया है। इसके अलावा कैबिनेट द्वारा विदेशी मदिरा के थोक विक्रय और भंडारण हेतु वर्तमान में जो प्रचलित FL-10AB अनुज्ञप्ति की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सीधे विनिर्माता इकाई विदेशी मदिरा का थोक क्रय किए जाने का अनुमोदन। देखिए, यहाँ पे शराब दारू वगैरह के संबंध में आज निर्णय ले लिया गया, क्योंकि इसमें सरकार को लाभ मिलेगा, लेकिन अगर यहीं पर शिक्षकों की भर्ती निकाल रही है तो सरकार का इसमें तो नुकसान ही नुकसान है। ये प्रमुख वजह है कि जब शराब के लिए यहाँ पर निर्णय ले लिया गया, लेकिन युवाओं के लिए कोई भी जो निर्णय है नहीं लिया गया। तो इस तरह से ये प्रमुख बिंदुए हैं जिन बिंदुओं पर आज की कैबिनेट मीटिंग में निर्णय लिया गया है। इस वीडियो में इतना ही साथियों, जय हिंद।